नमस्ते बच्चों। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? निश्चित ही आप कहेंगे कि हम इस समय पढ़ रहे हैं। आप क्या क्या पढ़ते हैं? आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, बाजार से सामान लाते हैं तो पैकेट्स पर चीज़ों के नाम पढ़कर ही सामान लाते हैं, साइन बोर्ड्स पढ़ते हैं, स्कूल भी पढ़ने आते हैं, लिखते हैं आपके अध्यापक जब आपको लिखवाते हैं तो आप बहुत कुछ लिखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपना फेवरेट टीवी चैनल कैसे चलाते हैं, निश्चित ही आप कहेंगे कि मैम हम उस पर चैनल का नाम पढ़ते हैं तब चलाते हैं। तो यह सब कुछ कैसे संभव है? जबकि आपको अक्षरों का ज्ञान हो तभी यह सब कुछ संभव है। आप छठी क्लास में हैं, आपको अक्षरों का ज्ञान अवश्य है अब तक। तो क्या बच्चों आपने कभी कल्पना की है कि यदि अक्षर ना होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? नहीं, आपने नहीं की होगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने प्रयास किया तो भी मैं यह कल्पना कभी नहीं कर पाई कि अक्षरों के बिना हमें कैसा प्रतीत होता। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको अक्षरों के महत्व के विषय में ही आज हम पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ, अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यहाँ दो कठिन शब्द हैं, तादाद और मूल। तादाद का अर्थ है संख्या, मूल अर्थात जड़। और यह प्रश्न हो सकते हैं कि प्रतिदिन क्या क्या छपता है। प्रतिदिन पुस्तकें छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं। हम किस बात की कल्पना नहीं कर सकते? हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि मनुष्य अक्षरों को ना जानता तो दुनिया का क्या हाल होता। इतना आपको समझ आ गया होगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अनादि अर्थात जिसका कोई आदि अर्थात शुरुआत ना हो। तो कोई क्या बात कह सकता है? कोई कह सकता है कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ऐसी कल्पना, ऐसी बातें लोग प्रायः किया करते हैं कि अक्षर तो ईश्वर की ही देन है। और आगे पढ़ते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो बच्चों, पुराने जमाने के लोग अक्षरों के विषय में क्या बात कहते थे? वे यही कहते थे कि अक्षरों की खोज भी ईश्वर ने की है। किंतु आज हम अक्षरों के विषय में क्या क्या जानते हैं? आज हम जानते हैं कि किस अक्षर की खोज कब हुई और किस अक्षर की खोज किस देश में हुई। हम अक्षरों के विषय में यह जानते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हमारी यह धरती कितने वर्ष पुरानी है? उत्तर है 5 अरब वर्ष पुरानी है। 2-3 अरब साल तक यह धरती कैसी थी? इस धरती पर कोई जीव जंतु था ही नहीं। फिर करोड़ों वर्ष तक यह धरती कैसी थी? उसके बाद करोड़ों वर्ष तक इस धरती पर केवल जानवर थे और वनस्पतियां थी। मनुष्य ने कितने वर्ष पूर्व जन्म लिया? लगभग मनुष्य ने लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए।
मनुष्य ने गांवों को कब बसाना आरंभ किया? मनुष्य ने लगभग 10,000 साल पहले गांवों को बसाना आरंभ किया। और मनुष्य सबसे पहले किसके औजार बनाता था? पहले मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाए, फिर मनुष्य ने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। बच्चों, हम वीडियो के इस भाग में इतना ही पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि हाँ, आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।